मूलचंद किशन गोपाल कॉटन ब्रोकर्स नागपुर के पार्टनर विशाल पुरोहित से commoditiescontrol.com ने इस साल महाराष्ट्र में कॉटन के उत्पादन, एक्सपोर्टर्स की मौजूदा डिमांड और आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट पे बात की। विशाल जी, यह बताइए कि इस साल महाराष्ट्र में कॉटन की बुआई कैसी रही और कितना उत्पादन होने का अनुमान है? देखो, जहाँ तक बुआई का सवाल है, बुआई पिछले साल से तो थोड़ी कम ही है। जैसे पिछले साल आप देखते हैं कि 40 लाख से ऊपर था हेक्टर में, तो ये साल 38.5 के आसपास ही हुआ है। परंतु जो सीड कंपनियों ने जो अच्छा मेहनत करके, जो रिसर्च करके जो सीड डेवलप किया है, जो भी है, किसान थोड़ा एडुकेटेड हुआ है इस मामले में, तो कम जगह में एकरेज ज़्यादा ले रहा है वो। तो वो हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक हेक्टर में ढाई गांठ का हम पकड़ रहे हैं कि भी उतना वो प्रोडक्शन निकलेगा। तो वो हिसाब से देखिए, मैं नहीं जानता कि अगर महाराष्ट्र का प्रोडक्शन 1 करोड़ गांठ से कम होगा। अब जो रही बात प्रेसिंग की, तो भी महाराष्ट्र का माल जैसा कि जानते हैं कि आंध्र भी चले जाता है, गुजरात भी चले जाता है। 20-21 लाख गांठ निर्यात भी होने के बाद 80 लाख गांठ का तो कम से कम प्रेसिंग होना चाहिए महाराष्ट्र में, ऐसा मेरा मानना है जी। इस समय कॉटन एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह की देखी जा रही है और आने वाले दिनों में ये मांग किस तरह होगी? देखो, डिमांड अभी तक तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं, नवंबर में मैंने सुना कि भी 20-21 लाख गांठ का माल का एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुए थे दिसंबर में। अभी तक तो मार्केट एकदम ही था कि कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था। अचानक 2-4 दिन में सभी एक्सपोर्टर मार्केट में आ गए हैं, सबकी डिमांड। अब इसका क्या कारण हो सकता है, या तो डॉलर में जो उछाल आया, या थोड़ा सा न्यूयॉर्क फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपर गया, वो कारण हो सकता है। पर अभी अचानक से ये देखा गया कि सारे एक्सपोर्टर्स जो है अभी मार्केट में एक्टिव है। एज ऑन डेट, आज की डेट में अगर आप बात करें तो हर एक्सपोर्टर आज लेवल है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट 80 लाख गांठ से कम होना चाहिए इस बार। और जैसा कि माना जा रहा है कि इंडिया का कॉटन सबसे चीपेस्ट है वर्ल्ड में, तो एक्सपोर्ट तो होगा वो हिसाब से। बाकी अब देखो आगे क्या रहता है। ये जनवरी के बाद में कॉटन मार्केट किन कारणों से चलेगा या क्या कारण अहम भूमिका निभाएंगे इस बाजार के लिए? देखो, जनवरी के बाद में मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि जनवरी के बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा। और जनवरी में जो रुई के भाव रहेंगे संक्रांत के आसपास, वो लोएस्ट भाव रहेंगे सीजन के, ऐसा मेरा मानना है। उस समय अराइवल प्रेशर भी पूरा रहेगा। और जहाँ तक हमेशा ये देखा गया कि संक्रांत के आसपास जो रेट होते हैं वो बॉटम रेट होते हैं, और मेरा मानना ये है कि इस बार जनवरी के बाद मार्केट अप ट्रेंड पकड़ेगा थोड़ी सी, क्योंकि सभी मिलों को मान लेना इस बार मिल उतना पैशनेटली कवर नहीं कर रही है कि भी एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रही है कि भी इसको डाउन भरना है। थोड़ा थोड़ा कम ले रही है जितना लास्ट ईयर से देखा गया है उस हिसाब से। तो आपके हिसाब से प्राइस रेंज क्या रह सकती है? प्राइस रेंज तो बताना बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि प्राइस रेंज क्या रहेगी। पर मेरा मानना है कि 42,000 के तो ऊपर होना चाहिए, यानी एंड ऑफ द सीज़न तक के मेरे ख्याल से 45 का घर भी देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, 45-46 भी बिक जाए तो। क्योंकि जो बारिश पानी हुई है उससे देखो नुकसान तो कुछ जगह में ज़रूर है ही। जैसे हमारे कई जीनिंग वाले हमारे बातचीत होती है जिनकी 100-100 एकड़ खेती है। अब एक ही सेंटर के मैंने एक जीनर से बात करी जिसका 100 एकड़ खेत है, वो बोल रहा था कि भाई इस बार मेरा प्रोडक्शन लास्ट ईयर से उतने ही एरिया में प्रोडक्शन 70% ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। दूसरा पार्टी वाला वही एरिया का जीनर है, उसी की भी 100 एकड़ ज़मीन है, वो बोलता है कि उसको थोड़ा सा 10-20% बढ़ के मिल रहा है। तो ये मिक्स्ड व्यू आ रहे हैं, तो इसलिए क्रॉप में क्या गड़बड़ी है ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर है, बीच में अगर आगे बारिश पानी अगर अच्छा मिल जाए और इनको थोड़ा सा अपने पौधों को थोड़ा वो मिल जाए आहार, तो फर्दर भी आके क्वांटिटी तो बढ़ाई देगी, ऐसा मेरा मानना है ये। विशाल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।